हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेड बूस्टर में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, मार्केट में इस टाइम पर गिरावट चल रही है। निफ्टी 18,000 से गिरते गिरते 16,000 के आसपास आ चुका है एंड मैक्सिमम मेंबर्स के पोर्टफोलियो मिनिमम 20% डाउन हो चुके हैं। और लोगों को जिन कंपनियों के ऊपर सबसे ज़्यादा भरोसा था, वो कंपनियाँ सबसे ज़्यादा तेज़ी से गिर रही हैं। एंड जो लोग यहाँ टॉप पर आए थे, उनके साथ वो आसमान से गिरे और खजूर पर अटके वाला काम हो गया। सबसे ज़्यादा लॉस उन्हीं लोगों का हो रहा है जो यहाँ टॉप पर आए थे, बिकॉज नए नए मेंबर्स थे, नॉलेज कुछ खास उनके पास में नहीं था। मार्केट को भागता हुआ देखकर सारा का सारा पैसा यहीं पर इन्वेस्ट कर दिया। स्टॉप लॉस जैसी चीज़ों के बारे में उन्होंने नहीं सुना था और यहाँ टॉप पर आकर फंस गए। इस टाइम सबके पोर्टफोलियो मिनिमम 2-3% डेली गिर रहे हैं एंड मार्केट अभी कितना और गिरेगा कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि फिलहाल मार्केट का ट्रेंड खराब हो रहा है। इस टाइम निफ्टी का चार्ट अपने सपोर्ट लेवल पर खड़ा है। नेक्स्ट सपोर्ट लेवल होगा 15,700 और अगर निफ्टी 15,700 के नीचे गया तो निफ्टी का ब्रेकडाउन हो जाएगा और ट्रेंड खराब हो जाएगा। एंड दोस्तों, हमारा आज का मेन टॉपिक ये है कि ऐसे सिचुएशन में एक ट्रेडर को या एक इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए, तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। तो चलिए आज के इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, उससे पहले अगर आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट या ट्रेड करना चाहते हैं और अगर अभी तक आपके पास में डीमैट अकाउंट नहीं है, तो देश के बड़े और भरोसेमंद ब्रोकर्स अपस्टॉक्स और पेटीएम मनी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करके आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों करते हैं, तो आपके पास में दोनों के अलग अलग पोर्टफोलियो होने चाहिए। इस टॉपिक को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पर मेन सवाल ये है कि इन्वेस्टिंग के पोर्टफोलियो में क्या करना चाहिए और ट्रेडिंग के पोर्टफोलियो में क्या करना चाहिए। तो एक बात को ध्यान में रखना है दोस्तों, सबसे पहले तो इस गिरती हुई मार्केट में इन्वेस्टिंग वाले पोर्टफोलियो में कुछ भी नहीं करना है। इन्वेस्टिंग वाले पोर्टफोलियो में जो कुछ भी करना है वो केवल बाइंग करने के लिए करना है और बेहतर ये रहेगा कि आप मार्केट की गिरावट के स्टेबल होने के बाद में करें। जब मार्केट की गिरावट स्टेबल हो जाएगी, तब आप उन कंपनियों में एवरेजिंग कर सकते हैं जिनको आप ऑन करते हैं, या आप ऐसी कुछ नई कंपनियों को ऐड कर सकते हैं जिनकी क्वालिटी अच्छी है और जो अभी तक आपके पोर्टफोलियो में नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पर मेन पॉइंट ये है कि इन्वेस्टिंग वाले पोर्टफोलियो में से कुछ भी सेल नहीं करना है। जिन कंपनियों की क्वालिटी अच्छी नहीं है, अगर आप चाहें तो उन कंपनियों को इस गिरावट में आप सेल कर सकते हैं। अब बात करेंगे ट्रेडिंग वाले पोर्टफोलियो के बारे में। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से सबसे पहले तो आपको करना ये चाहिए कि आपको अपने ट्रेडिंग वाले पोर्टफोलियो को बिल्कुल खाली कर देना चाहिए, क्योंकि ये टाइम ऐसा है कि ट्रेडिंग करके आप जहाँ भी पैसा बनाने की कोशिश करेंगे, वहाँ पर आप मैक्सिमम टाइम गलत ही जाने वाले हैं, क्योंकि ऐसी गिरावट में आपको अगर ब्रेकआउट स्टॉक भी मिलते हैं तो वो भी फॉल्स ब्रेकआउट स्टॉक मिलेंगे। आप उनमें बाइंग करेंगे, बाइंग करते ही मार्केट में गिरावट स्टार्ट होगी और जब मार्केट में गिरावट स्टार्ट होगी तो जो ब्रेकआउट होगा वो फॉल्स हो जाएगा। इस वजह से आपको इक्विटी में ट्रेडिंग इस टाइम पर बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि इक्विटी में ट्रेडिंग करने का भी एक टाइम होता है। इक्विटी में ट्रेडिंग की जाती है ट्रेंड के साथ में और ट्रेंड इस टाइम पर हमारे साथ में नहीं है। इस वजह से आपको ट्रेडिंग अभी बंद कर देनी चाहिए जब तक यहाँ से ट्रेंड ऊपर की तरफ चेंज ना हो। अब चलते हैं अपने थर्ड टॉपिक की तरफ, जो है हेजिंग। दोस्तों, गिरती हुई मार्केट में केवल हेजिंग ही एक ऐसा टूल है जो आपको किसी भी बड़े से बड़े मार्केट क्रैश से बचा सकता है। इस टाइम जो सिचुएशन बन रही है, उसमें हमें कोई आइडिया नहीं है कि मार्केट कितना नीचे तक जाने वाली है, इसलिए हमको अपने पोर्टफोलियो को हेज करना चाहिए। हेजिंग कौन से लेवल की करनी है, ये हम कल टेलीग्राम में शेयर कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ना किया हो तो ज्वाइन कर लीजिए। कल जो हेजिंग कॉल शेयर की गई थी वो था जून की मंथली एक्सपायरी का 14,000 का पुट। तो अगर आप भी अपने पोर्टफोलियो को हेज करना चाहते हैं तो आप जून की मंथली एक्सपायरी वाले 14,000 के पुट को देख सकते हैं। हेजिंग करने से पहले एक बात को ध्यान में रखना
कि हेजिंग का मतलब होता है केवल इंश्योरेंस बाय करना। अगर मार्केट गिरेगा तो ये वाली हेजिंग आपके पोर्टफोलियो के लॉस को रिकवर कर देगी, अदरवाइज ये पुट जीरो हो जाएगा। और यहाँ पर कोई भी डायरेक्ट बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। यहाँ पर जो कुछ भी शेयर किया जाता है वो केवल एजुकेशनल पर्पज से शेयर किया जाता है। तो दोस्तों, अगर मार्केट ने 15,700 के लेवल को ब्रेक डाउन दिया तो नेक्स्ट लेवल करीब करीब 14,000 के आसपास के होंगे। वहाँ तक अगर मार्केट गिरता है और आप हेजिंग कर लेते हैं 14,000 के मंथली एक्सपायरी वाले जून के पुट की, तो आपके लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का मैक्सिमम लॉस रिकवर हो जाएगा। अगर मार्केट नहीं गिरता है तो जो आपका लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो है वो यहाँ पर स्टेबल रहेगा और आपने ये जो इंश्योरेंस बाय किया है उसका प्राइस ज़ीरो हो जाएगा। ओवरऑल यहाँ पर आप बड़ा लॉस नहीं करेंगे। तो इस टाइम पर आपको करना ये है कि ट्रेडिंग बंद कर देनी है और ट्रेडिंग वाले पोर्टफोलियो को बिल्कुल खाली कर लेना है। एंड इन्वेस्टिंग वाले पोर्टफोलियो के लिए कैश इकट्ठा करना है। आपके पास में जो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी कंपनियां हैं उनमें आपको एवरेजिंग करनी है, और जो कंपनियां आपके हाथ से निकल गई थी और अच्छे लेवल पर आ चुकी हैं उनमें आपको न्यू बाइंग करनी है। इन्वेस्टिंग वाले पोर्टफोलियो में से केवल उन्हीं स्टॉक्स को सेल करना है जिनकी क्वालिटी ख़राब है, एंड इस पोर्टफोलियो को आपको हेज करना चाहिए पोर्टफोलियो के 1% अमाउंट से। तो दोस्तों, ये था अपना आज का वीडियो। कुछ भी करने से पहले अपना एनालिसिस ज़रूर करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको हमारे ये प्रयास पसंद आते हैं तो इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करके हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। Keep reading, keep trading, keep investing. Thanks for watching.